दोस्तों आपका छत पुराना पड़ चुका है, छत से पानी टपकता है, छत के ऊपर क्रैक है, तो ये जो काम हो रहा है वाटर प्रूफिंग का टोटल 7 कोटिंग काम होता है, ये अपने छत पर करा देंगे तो आपका छत का टपकना, छत के ऊपर क्रैक, सीलन, जो भी पपड़ी आपके छत को छुड़ती है या सीलिंग गिरता है, पेंट पीओपी, ये सब आपके कमरे को ख़राब कर देता है, ये सब ठीक हो जाएगा। ऑलमोस्ट 7 कोटिंग ही छत पर कराना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, कम एस्टिमेट होने के नाते 1 से 2 कोट 3 कोट करा लेते हैं, जिनका उनका जो सेल्फ लाइफ होता है 2 से 3 कोट का, ज़्यादा दिन तक नहीं होता और ज़्यादा दिन तक चलता भी नहीं। अगर आपको लाइफ टाइम की सीलन से छुटकारा चाहिए अपने छत का, छत पुराना पड़ चुका है, तो आप 7 कोटिंग कराइए। यहाँ पर जो मैं आपको वीडियो दिखाया हूँ, टोटल 7 कोटिंग का वर्क होगा, पॉलीमर लगाया जाएगा, यहाँ पर लिक्विड रबड़ के साथ में काम होगा, फाइबर मेश का काम यहाँ पर शुरू हो चुका है। माय डियर फ्रेंड्स, जब भी आप अपने छत पर काम कराइए, उस पर फाइबर मेश के साथ में लिक्विड रबड़ और पॉलीमर के साथ ही काम कराइए। यहाँ पर इसका प्रोसेस मैं बता दे रहा हूँ कि सबसे पहले छत को क्लीन करना होता है। जब छत क्लीन हो जाता है, उसके बाद क्या करना होता है कि छत क्लीन होने के बाद उसके ऊपर प्राइमर लगाया जाता है, प्राइमर के बाद पेस्ट लगाया जाता है। पेस्ट में 2 कोटिंग चलती है, उसके बाद ग्लास फाइबर होता है, ग्लास फाइबर के पास आपका लिक्विड रबड़ की यूज किया जाता है, उसके बाद 1-2 कोट और होता है। आपका छत पर कितना भी पुराना क्रैक है, आप बार बार परेशान हो चुके हैं स्थिति से, ठीक नहीं हो पाता है, तो आप ये काम जरूर करें। इससे आपका छत जो है एकदम नया हो जाएगा और पानी के टपकना क्रैक ये सब ठीक हो जाएगा। जो कंपनी के सर्विस है पूरी दिल्ली में अवेलेबल है, पूरी इंडिया में अवेलेबल है। आप दिल्ली में कहीं के भी रहने वाले हैं, इंडिया में आप किसी भी स्टेट से हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, उस पर कॉल करके आप अधिक जानकारी ले सकते हैं और चाहे तो अपने घर के वाटर प्रूफिंग करा सकते हैं। एक घर के अंदर छत की वाटर प्रूफिंग की जाती है, मोंटी एरिया का किया जाता है, किचन का, बाथरूम का, सेप्टिक टैंक, बेसमेंट, बालकनी की वाटर प्रूफिंग किया जाता है। अगर एटलीस्ट आप यहाँ पर वाटर प्रूफिंग करा देंगे तो आपको बेनिफिट ये होगा कि सीलन लीकेज नहीं आएगा। जब सीलन लीकेज नहीं आएगा तो आपका घर ज़्यादा दिन तक चलेगा और ख़राब भी नहीं लगेगा, ख़राब दिखेगा भी नहीं। किसी भी घर का ख़राब होने का सबसे बड़ा कारण होता है सीलन और लीकेज। अगर सीलन लीकेज आना शुरू हो गया तो जहाँ पर सीलन लीकेज आएगा वहाँ पर पेंट पीओपी, आपका प्लास्टर वगैरह सब खराब होने लगेगा, गिरने लगेगा। बाथरूम से भी अगर पानी का सीलन आता है तो वहाँ का पेंट वगैरह धब्बा लग जाता है, पेंट पीओपी प्लास्टर सब गिरने लगता है। नया नया कंस्ट्रक्शन में अगर आप वाटर प्रूफिंग का काम करा देंगे तो उसमें ये बेनिफिट होगा कि आपको करीब करीब 25 से 30 साल तक वहाँ पर सीलन लीकेज नहीं आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, धन्यवाद।